खंड विकास कार्यालय मुरादाबाद का औचक निरीक्षण करने के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा खंड विकास कार्यालय की आवासीय कॉलोनी में रह रहे ऐसे लोगों को बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं जो अवैध रूप से सरकारी मकानों में रह रहे थे। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खंड विकास कार्यालय के मुख्य द्वार पर नाला निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है। मंगलवार को विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा बताया गया कि इन दिनों जनपद में विकास कार्यों को प्रमुखता के साथ कराया जा रहा है, साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अगर कहीं पर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। उनके द्वारा जनपद में अलग अलग ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं विकास के कार्यों में गुणवत्ता को भी परखा जा रहा है। सिटी चैनल से वार्ता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा कहा गया कि आज सदर ब्लॉक को देखा गया था जहां पर नाला निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है और अन्य विभागीय अधिकारियों को भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। बाद ब्लॉक का निरीक्षण किया था सबसे पहले, तो वहां पर मोस्टली जो हमारे पत्रावलियों का रखरखाव है और अभिलेखों का इसको चेक किया गया, मोस्टली चीज़ें सही पाई गई हैं। थोड़ा बहुत निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ एक खुला नाला है विकासखंड कार्यालय के आगे, उसको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो आवास बने हुए हैं विकास के, वहाँ विकास भवन ये ब्लॉक के जो आवास बने हुए हैं उसमें कुछ लोग बाहर के भी निवास कर रहे हैं, तो इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बाकी दो राजकीय हाई स्कूलों उमरी का निरीक्षण किया गया है और सलेमपुर बांगर का भी, तो वहाँ पर भी मोस्टली निर्माण में ठीक पाया गया है, लेकिन कहीं पर फर्श में गुणवत्ता की कमी थी और एक दो चीज़ें और कमियाँ थी जो इंगित की गई।